बटालियन, ए बाबू करमवीर काहे माथा पर हाथ रखा है? उसको भूख लग गया बहुत जोर। हे गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और गाइज अभी मौसम देख सकते हैं कितना तगड़ा है, ना ज़्यादा धूप ना ज़्यादा ठंडा, बिल्कुल मस्त मौसम। ये बारिश हुआ उसकी वजह से है। तो गाइज अभी ड्यूब को थोड़ा घुमा के ले आए हैं और अब जा रहे अपना मॉर्निंग वॉक करने, उसके बाद फिर बैठ के पढ़ेंगे। तो गाइज अभी पढ़ते हैं। तो गाइज बारे में फिर से आए हैं क्योंकि अब साग का दिन हो गया, तो मतलब एक दो दिन में आना ही पड़ेगा। देखिए बटालियन, ए बाबू करमवीर काहे माथा पर हाथ रखा है? उसको भूख लग गया बहुत ज़ोर से। मेरा बारी में बहुत ही पेड़ है गाइज। तो यहाँ पर क्या होता है, आने के बाद मस्त ठंडा हवा, एकदम मिजाज फ्रेश हो जाएगा। तो गाइज बारी से साग तोड़ के आ गए और खाना खाने जा रहे हैं। देखिए खाना में क्या है, मस्त भिंडी का भुंजिया है, गुड़ और चटनी में थोड़ा सा लिया, हमको अच्छा नहीं लगता इसलिए, और रोटी। तो खाते हैं। तो गाइज नाश्ता कर लिए हैं और अभी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी 3 घंटा 4 घंटा जो भी लगेगा एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते, उसके बाद फिर देखते। तो गाइस आज हम फिर कैरम बोर्ड खेलने जा रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर लिखे है कैसा लगा हमारा कैरम। इसका नाम है चिंटू, यही असली चिंटू, देख लीजिए इसको। अरे सीधा लड़का, सबसे सीधा लड़का है और एक नंबर गेमर। हेलो इधर। मारे बाबू ऐसे मार के, फिर इसको समझ में नहीं आ रहा है बाबू ने कैसे करे। ऐसे बस मार सकता है। अरे बाप रे, इधर पिला लिया जी, बेवफा कर दिया सनम, बेवफा कर दिया। हां तो गाइस फिर से चना बना रहे हैं आज। देखिए चना को कुकर में बॉईल कर लिए हैं, तो अभी चना बनाते हैं। तो गाइस चना खा लिए और अब पढ़ने जा रहे हैं, मतलब अभी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइस अभी हम 2-4 दिन जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़े, तो उससे ये कंक्लूजन आया कि इतना कम में, मतलब 3 महीना में, मतलब जो पढ़ते हैं 2-3 घंटा, उतना में नहीं होने वाला है कंप्लीट 2-3 महीना में। तो कम से कम हमको 5 से 6 घंटा डेली एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, तभी 3 से 4 महीना में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और बाकी सब्जेक्ट को भी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में अभी हम नील है बिल्कुल, मतलब जीरो कुछ, मतलब इकोनॉमिक्स में पढ़े ही नहीं, बस 9th-10th का बुक पढ़े थे और कुछ पढ़े नहीं है। तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है और साइंस एंड टेक में भी थोड़ा पढ़ना है, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है मेरा। तो गाइस जब हम राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं और कल से प्रयास रहेगा कि एंथ्रोपोलॉजी में हम ज़्यादा टाइम।